हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुई थी, वेलकम माय चैनल। तो आज मैं आ गई मेरे रूटीन चेकअप के लिए। तो अभी मेरी प्रेगनेंसी का 37 weeks 9 months चल रहा है और मैं सुबह सुबह डॉक्टर के पास आ जाता हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके आती है, बाद में वो ऑफिस चले जाते हैं। तो मैं बोला चलो पहले मेरी बेबी का वेट सब कुछ देख लेता हूँ, बाद में आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मैं अभी डॉक्टर के पास से आ गई और थोड़ा दूध पी लेता हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्या ना सुबह मेडिकल जाने के पहले बिल्कुल भी कुछ खाना वाना नहीं खाती, क्या ना सुबह सुबह जाना पड़ता है ना इसलिए। और मैं केसर वाला दूध पी रहा हूँ, क्या ना थोड़ा गर्म गर्म दूध पीने के लिए मम्मी बोल रहा है, क्योंकि फिलहाल मम बोलता है थोड़ा गर्म गर्म चीज़ें पीना चाहिए। बट दीदी ने मुझे गर्म चीज़ें पीने के लिए मना कर दिया था, बिकॉज गर्म चीज़ें से लीवर खराब, लीवर में प्रॉब्लम होता है। तो अभी मॉम बोलते हैं गर्म चीज़ें पीने से नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस रहता है, तो दोनों अलग अलग लॉजिक होता है। चलो मैं गर्म दूध पी रहा हूँ, इसलिए दूध गर्म कर रहा हूँ, पी के फिर कुछ बात करता हूँ आप लोगों के साथ। और क्या है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी 9 month की प्रेगनेंसी बेबी बम के बारे में, स्मॉल बेबी बम के बारे में। और मेरी बेबी बम सच में बहुत छोटा है, तो अभी तो 36 7 week चल रहा है। और अभी इसलिए शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं 5 month से लेकर अभी तक वेट कर रहा था मेरी बेबी बम बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ, अभी तक छोटा ही रह गया। तो आप लोग इमेज देख सकते हो, मैं लगा दूंगी मेरी बेबी बम फिलहाल कितना है। तो जब मेरी 5 month चल रहा था ना प्रेगनेंसी का, तो मैं किसी को भी बोलती थी ना जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब लोग बोलते तुम्हारा पेट तो कितना छोटा है, पेट दिखा नहीं देता, एकदम फ्लैट है, लगता है 1-2 महीना भी नहीं होगा, ठीक है ना। सब लोग हंसते थे मेरे ऊपर, सब लोग कौन कौन बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को भी बोलती थी ना तो ऐसा करते थे। और मैं कभी भी पूरा फुल प्रेगनेंसी में अभी तक मैंने कभी भी लूज कपड़ा नहीं पहना, जो नॉर्मल टाइम में कपड़ा पहनती थी ना, जैसे टी शर्ट वाला ऐसे फिटिंग फिटिंग कपड़ा मैं वही पहनती हूँ, अभी तक मैं वही पहनती हूँ। मुझे लूज कपड़ा पहनना पसंद नहीं है, मुझे फिटिंग कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। और फिटिंग कपड़े में तो आप लोगों को पता है पैर थोड़ा ज़्यादा निकलेंगे तो दिखाई देगा, तुरंत दिखाई देगा, जो बेबी बम तुरंत शो करता है उस जगह में मेरा बेबी बम दिखाई नहीं देता है, अब समझो कितना छोटा है। तो सब लोगों ने मुझे ऐसा बोलते हैं तुम्हारा बेबी बम छोटा है छोटा है छोटा है, सुन सुन के फिर पक गई। और मेरे को भी पता, मुझे भी पता है जो मेरी बेबी बम बहुत छोटा है। और मैं किसी के बात में बुरा लगा कि आप लोगों के साथ बात शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को माइंड में घूमता है जो छोटा बेबी बम तो छोटा बच्चा होने वाला है, ऐसा लगता है लोगों को। तो मुझे भी पहले ऐसा लगा था, मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लगता था, मेरे हस्बैंड को लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, बेबी को अच्छे से विकास नहीं हो रहा होगा, बेबी अच्छे से ग्रो नहीं करता होगा, ऐसा लगता मेरे हस्बैंड को, ऐसा लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड डॉक्टर से कुछ बोला नहीं था कभी भी जो एक्चुअली बेबी को वेट कितना, बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे भी नहीं है। और फर्स्ट टाइम से मतलब बेबी का वेट कितना है, बेबी का हाइट कितना है, तो सब है ना उनका जो फाइल होता है फाइल में लिख के रखता है, बट मुझे पता नहीं था जो लिखा होता है, सच में मुझे नहीं पता था, पता होता तो मैं टेंशन लेता ही नहीं। तो मैं 8 month के टाइम में ना मैं गई थी मेडिकल में टेस्ट करवाने के लिए, रूटीन जो चेकअप होता है वही चेकअप करने के लिए गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर मुझे ऐसा बोलने लगा तुम्हारा बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, शायद तुम्हें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया, तुम डायबिटीज़ चेकअप करवा लो। मैं तो बोलने लगी आय हाय, एक तो मेरा बेबी बम छोटा है और ऊपर से बेबी का वेट ज़्यादा कैसे हो सकता है, मेरे बेबी बम ही दिखाई नहीं देता क्या ना, तब जितना वेट होना चाहिए था तब से मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा वेट था, मतलब 200-300 ग्राम ज़्यादा था बेबी का वेट। फिर मैंने शुगर टेस्ट करवाया, एम्प्टी स्टमक एक, और एक के खाना खाने के बाद दोपहर को जो खाना खाने के बाद 2 घंटा बाद एक टेस्ट करते वो टेस्ट करवाया था, लेकिन वो रिपोर्ट जो है ना नॉर्मल आया है, कोई शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं मुझे ऐसा लगा हाँ, मतलब बेबी बम छोटा होने से बच्चा छोटा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग बॉडी का टेक्सचर होता है, सबका बेबी का वेट सेम नहीं होता, सबका बेबी बम सेम नहीं होता, अलग अलग लोगों का अलग अलग होते हैं। जैसे हो सकता है मैं मेरी बेबी बम छोटा होने का कारण भी ऐसा हो सकता है, जो मैं बिफोर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, मैं पेट का बहुत पेट को एकदम स्लिम कर लिया था मैंने, एकदम मतलब पूरा दिन बेल्ट पहन के रखती थी पेट में और पेट का बहुत एक्सरसाइज करती थी, तो मैं पेट का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी। मैंने लॉकडाउन में मेरी वेट 12 किलो कम किया घर पे बैठे बैठे, और ज़्यादातर मैं एक्सरसाइज जो है ना पेट और हाथ का करती थी। मैं बहुत पतली हो गई थी, लेकिन फिलहाल मोटी हूँ, ऐसा नहीं जो एकदम पतली हूँ, मैं बिल्कुल पतली नहीं हूँ। तो मेरी वेट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरी वेट ज़्यादा ही है फिलहाल। तो मुझे लगता है मेरी टम्मी कम निकलने के कारण एक्सरसाइज भी हो सकता है, क्योंकि मेरा बॉडी में जो एलास्टिसिटी है ना अच्छा है, कि एक्सरसाइज करें ना पहले से ही बॉडी में खींचा बहुत आता है, तो मुझे लगता है इस कारण मेरा बेली कम शो हुआ, कम निकला है। क्योंकि सेम मेरी दीदी जब प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, उनका बेली बहुत ज़्यादा निकला था
और तब उसका बेबी हुआ था 3.5 किलो। सेकंड प्रेगनेंसी में उनका बेबी और भी ज़्यादा, मतलब उनका बेली और भी ज़्यादा निकला, और भी बड़ा सा बेली निकला है। मतलब ऐसा लग रहा 2-3 बेबी तो होगा उसके पेट में, लेकिन बेबी तो हुआ ना, उसका वेट था 2.5 किलो और बेबी मतलब एक ही हुआ था, ठीक है। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में उसका बेबी बम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। तो इसका मतलब ऐसा भी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी बम थोड़ा छोटा होता है और सेकेंड में थोड़ा बड़ा होता है। और अगर किसी को एक्सपीरियंस है एक्सरसाइज का, तो उसका बेबी बम थोड़ा सा छोटा निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। और सबका अलग अलग हाइट, अलग अलग वेट, अलग अलग बॉडी टेक्सचर, सबका बेबी बम भी अलग अलग शेप में हो सकता है, और सबका बेबी का वेट सेम नहीं होता। तो अभी लास्ट में आती हूँ। आज गई थी मैं चेकअप करने के लिए, अभी 36-37 वीक चल रहा है मेरी प्रेगनेंसी का। तो अभी जो ना फिलहाल बेबी का वेट है 2.5 किलो, और डॉक्टर ने बोला इस मतलब नॉर्मल वेट है। किसी किसी का बेबी तो मतलब 2.5 किलो में बेबी हो जाता है, लेकिन तुम्हारा बेबी का वेट अभी थोड़ा बढ़ेंगे और थोड़ा 100-150 ग्राम बढ़ेंगे। अगर ना भी बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 किलो से लेके 2.5-3 किलो तक वेट नॉर्मल होता है। फिर बहुत सारे लोगों का 3.5 किलो होता है, लेकिन वो ओवर वेट होता है, ठीक है ना। तो इतना वेट ठीक है, और हर महीना बेबी का वेट बढ़ता है, वेट इंक्लूड होता है, बेबी का वेट बढ़ता है, मम्मी का भी वेट बढ़ता है, बेबी का वेट बढ़ता है, लेकिन ये सब फाइल में लिखा ही होता है। आप लोग अब जो भी डॉक्टर देखोगे पता चल जाएगा, सब कुछ फाइल में लिखा होता है। मुझे पता नहीं था, मैं इसलिए शेयर किया, बट मैं इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरी बेबी बम बहुत छोटा है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था जो मेरी बेबी 1 किलो से ज़्यादा होगा। ऊपर से अभी तो टाइम है होने का, अभी 1-2 ग्राम ना भी पारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2.5 किलो फिलहाल है, जितना भी है बहुत ठीक ठाक ही वेट है। तो इसका मतलब वैसा ही होता है, जो बेबी बम के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेबी का वेट कितना होता है। और तो फिर ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो और क्या प्रॉब्लम है। अगर बेबी का वेट डॉक्टर बोलते सही है तो सही है। और आप लोग भी देख सकते हो यूट्यूब में, बहुत सारा डॉक्टर का वीडियो देख सकते हो, कौन सा महीने में कितना वेट होता है बेबी का। तो अभी फिलहाल तो अभी 9 मंथ में मेरा बेबी का वेट इतना है 2.5 किलो। तो डिलीवरी के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बेबी का वेट कितना होता है, बिकॉज वेट तो और बढ़ेंगे ना अभी बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होने के बाद एग्जैक्टली पता चल जाएगा वेट एक्चुअली कितना है, और मेरी इतना छोटा सा बेबी बम में कितना सा मतलब कि कितना वेट का बेबी हो सकता है, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2.5 किलो सुन के मुझे खुद को भी यकीन नहीं होता 2.5 किलो है, क्योंकि 2.5 किलो मतलब इतना भी पतला सा छोटा सा बच्चा नहीं है। मैंने मेरी दीदी का बच्चा देखा, तो मुझे पता है थोड़ा हेल्दी होता है, मतलब इतना भी पतला भी नहीं होता, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो चलो फिर, और कुछ दिन बाद पता चल जाएंगे, और मेरे लिए और मेरी बेबी के लिए प्रे करना। और आज सुबह मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला जो कुछ दिन बाद बेबी आने वाला है, तो मुझे तो खुशी से ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि डर तो लगेंगे ही। पहले मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन आज मुझे डर लगा। जो भी है, चलो बाय एंड सी यू, टेक केयर।